सिंगापुर में अनलॉक 1 के दौरान मिली छूट का लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं। यही कारण है कि देश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लोग भूलकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते नगर निगम कार्यालय में SDM गौरव कुमार द्वारा व्यापार मंडल पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें SDM ने व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाएगा तो उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुकानों के बाहर खड़े हो रहे ठेलों को दूसरी जगह खड़ा किया जाए, जिससे बाजार में भीड़ एकत्रित न हो सके। पिछले दिनों DM साहब द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि बाजार में जो भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है, उसके क्रम में यदि उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और जो बाजार में ठेली रेहड़ी लगती हैं उनकी वजह से भीड़ होती है उनको भी वहाँ से हटाकर अन्यत्र लगाने का प्रावधान किया गया है।